तेलुगु फिल्मों की एक जानी मानी अभिनेत्री को देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह अभिनेत्री लंबे समय से देह व्यापार के धंधे में शामिल थी। स्थानीय अदालत ने आरोपी अभिनेत्री को न्यायिक हिरासत में नारी सुधार गृह में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने इस अभिनेत्री को रविवार को शहर के एक मशहूर होटल से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कई बड़े कारोबारियों को भी इस रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह अभिनेत्री बतौर बाल कलाकार कई हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। जिस फरोशी के आरोप में फंसने के बाद इस अभिनेत्री का कहना है कि वो इस मजबूरी में इस पेशे में आई। सुनिए क्या कहना है कई चर्चित हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी इस अभिनेत्री का। मैंने अपने करियर में कई गलत फैसले किए जिसके चलते मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझ पर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी, मेरे लिए सभी दरवाजे बंद हो गए थे। कुछ लोगों ने पैसे कमाने के लिए मुझे जिस्म फरोशी के धंधे में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं बेबस थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इस काम में शामिल हो गई। मैं अकेली ऐसी अभिनेत्री नहीं हूँ जिसे इस मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और भी कई अभिनेत्रियाँ हैं जिनको ऐसे दौर से गुजरना पड़ा है।